नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आइए बात कर लेते हैं 17 मई ट्यूसडे के दिन मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है, हमारा क्या प्रेडिक्शन रहेगा और कल के दिन हम किस प्रकार से ट्रेड करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक दिन पहले का वीडियो जो बना नहीं पाए किसी कारण की वजह से, पर आज का ये जो एनालिसिस वीडियो है इसमें बहुत लर्निंग मिलेगी, तो आप बहुत ध्यान से इसको सुनो और अपने नोट्स बनाओ ताकि आपके ट्रेडिंग करियर में आपकी जर्नी जो है सामने बढ़ सके और आप प्रॉफिटेबल हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है। मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ और निफ्टी में जो है हमको जो व्यू देखना है, अभी मार्केट एक ऐसे जगह पे खड़ी है, मार्केट के पास एक बेस है नीचे के साइड में जो कि है ये वाला, ये एक बेस मार्केट के पास है, और जो ऊपर के साइड में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आज मार्केट बुलिश रहेगी, बट मार्केट बुलिश यहाँ से हुई, बट अचानक मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। अभी हमारा क्या व्यू रहेगा, हम एक पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं चलना चाहिए हमको कि कल मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। चार्ट पे जो हमको दिख रहा है, चार्ट पे अगर हमको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो हम वहाँ पे पुट के साइड में बैठेंगे, और अगर हमको चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है तो हम ऊपर के साइड में मतलब कॉल के साइड में बैठेंगे। सबसे पहले अभी निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है दोस्तों, जिस लाइन से ये एक लाइन ऊपर के साइड में एंड द सेकेंड लाइन इज ये आएगी आपकी सेकेंड लाइन यहाँ से। इस हिसाब से आपको जस्ट अ मिनट, इस लाइन को आपको एक तो पहले सबसे पहले आपके टर्मिनल पे ड्रॉ करके रखना है। ये क्या हो गया, ठीक है। देन आपको अभी पुट के साइड में कब बैठना है, जब भी मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगी, जब भी मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगी तब हम पुट के साइड में बैठेंगे, और जब भी मार्केट ऊपर के साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और ऊपर के साइड में हम एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, 15, जब भी मार्केट ऊपर के साइड में 15897 को क्रॉस करेगी इसको ब्रेक करने के बाद, तब हम ऊपर के साइड में वो 15980 के टारगेट हम ऊपर के साइड में ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट। एक तो इस लेवल के आसपास फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, देन सेकंड टारगेट जो हमारे ऊपर के साइड में बनेंगे वो बनेंगे 16100 के आसपास। अगर इस तरीके का हमको अगर ट्रेड मिले तो हम डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे, और नीचे के साइड में हमको थोड़ा पेशेंस रख के ट्रेड करना है। जब भी मार्केट इसके नीचे मिले और बहुत सारा टाइम अगर यहाँ पे बिताए तो मार्केट आने वाले दिनों में आपको 14,000 तक के लेवल दिखा सकती है, तो इस हिसाब से हमको निफ्टी में ट्रेड करना है। इसके रिगार्डिंग जो भी पैटर्न्स बनता है और जो कोई अपडेट आता है, डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर आते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं अपडेट करते रहता हूँ। देन सेकेंड थिंग अभी करते हैं बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही सिंपल और सीधा व्यू है, उस व्यू के अकॉर्डिंग ही हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में हमको ये दो लाइन ड्रॉ करके रखना है, ये जो चैनल यहाँ पे बन रहा है, जस्ट ये दो लाइन के ये जो बीच वाला जो है वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर कल मार्केट इसके दिन के बीच में, अगर मार्केट कल दिन भर इसके अंदर भी रहे तो हमको पहले 1 घंटा तो ट्रेड नहीं करना है, और फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसके अंदर हमको ट्रेड मिलती है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। देन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ऊपर के साइड में हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 34,000 के। देन नीचे के साइड में अगर मार्केट इसको इस लाइन को अगर ब्रेक करती है तो नीचे के साइड में हमारे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 33,000 के आसपास, 33,050 के आसपास के टारगेट हमारे रह सकते हैं। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो नीचे नीचे के साइड में बहुत हेवी सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप 4 लॉट में काम कर रहे हैं तो 3 लॉट का टारगेट आपको यहाँ पे बुक करना है और 1 लॉट को छोड़ देना है ताकि वो आपका मल्टी बेगर बन सके, इस हिसाब से हमको मार्केट में ट्रेड करना है। बाकी की डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में है, इफ किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस को आंसर करना। थैंक यू सो मच।